के लिए टिकटवा दे दूं। ऋतु जायसवाल में अनुभव का कमी है तो भैया हमको 17 साल 16 साल जेल में सजा काट के आने का कोई अनुभव नहीं है और न हमको ये अनुभव चाहिए। तो भैया हमको बाहुबली का अनुभव नहीं है और न हमको ये अनुभव चाहिए। तुम अपना जेल का अनुभव रखो अपने पास, तुम अपने सजा का अनुभव रखो अपने पास, तुम अपने बाहुबली का अनुभव रखो अपने पास। विकास का कार्य करने का जो अनुभव मेरे पास है वो मेरे पास रहने दो और ये अपने बाहुबली का अनुभव तुम अपने ही पास रखो, तुम्हें ही मुबारक हो। कहते हैं ऋतु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। ए भैया, ऋतु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आएगा या ये आनंद मोहन आएगा तो जंगल राज आएगा, ये सिवाय की जनता पे छोड़ते हैं। सभी को ये एक उम्मीद दिख रही है कि अगर ऋतु जायसवाल सांसद बनती है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो उम्मीद की लहर जो दिख रही है आपके आशीर्वाद के रूप में, मैं कई बार बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाता है कि आप लोगों की जितनी उम्मीदें हैं भगवान मुझे वो ताकत दे और आपका वोट मुझे वो ताकत दे कि मैं सदन तक पहुंचूं तो आपके दिए गए एक एक वोट का मैं मान और सम्मान रख सकूं। बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी कुएं के घमंड के मैं सभी को एक बराबर सम्मान दूं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति कहीं पर किसी भी जात में खराब हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी जात खराब है। ये और बात है कि शिवहर में पिछड़ा की राजनीति करनी है, क्योंकि शिवहर बहुत पिछड़ा है, उसको अग्रणी श्रेणी में लाना है और विकास की श्रेणी में लाना है। विकास के मामले में शिवहर अभी बहुत पिछड़ा है, विकास के मामले में शिवहर को आगे लाने की आवश्यकता है। यहाँ आने से पूर्व ही आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे लिए डिमांड किया था, शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल, शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल, आज ऋतु जायसवाल यहाँ पे खड़ी है तो आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की डिमांड की वजह से खड़ी है। आप लोगों को ये लगा कि अगर घर में, चूंकि टिकट जिनको मिला था, मुझे पता है आप सब दहशत में थे कि हे भगवान ये क्या हो गया, ये किसको टिकट मिल गया उधर से एनडीए से, ये घर में मुसीबत आ गई तो मुसीबत आई तो याद किसको करें। तो जब घर में रात में कोई इमरजेंसी होती है, डॉक्टर की जरूरत होती है, बीमारी होती है तो किसको याद करते हैं? पड़ोसी को, पड़ोसियों को नहीं याद करते, बाहर वाले को थोड़ी याद करते, बाहर वाला तो आते आते आएगा और हम तो आधे घर के हैं और आधे पड़ोसी हैं। तो आज हम यहाँ पे हैं, अगला तरह तरह से डरा आ रहा है, कोई मुद्दा तो है नहीं, दोस्ती निभाने के लिए नीतीश कुमार जी टिकट दे दिए, इसके पूर्व में भी दो बार लवली आनंद जी चुनाव लड़ी लोकसभा का इसी शिवहर से, क्या परिणाम हुआ? दोनों बार जमानत जब्त। नीतीश कुमार जी को भी पता है कि इस बार भी जमानत जब्त होगी लेकिन सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए टिकटवा दे दिए। घमंड है उधर बाहुबली होने का, तो भैया अगर घमंड है बाहुबली होने का तो वो तो होगा ही, जिसकी वजह से बिहार में कानून बदल जाए और कानून एक व्यक्ति की वजह से कानून बदल जाए, उस व्यक्ति को अगर बाहुबली का घमंड है तो क्यों नहीं होगा? वो व्यक्ति मुझे कहते हैं आनंद मोहन जी ऋतु जायसवाल में अनुभव का कमी है। ए भैया, ये जो अनुभव है ना, सजा काट के किसी डीएम की हत्या करके जो जेल से सजा काट के आए हो, वो अनुभव तुम अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा ये अनुभव नहीं चाहिए। ये जो कहते हो ना कि ऋतु जायसवाल में अनुभव का कमी है, तो भैया हमको 17 साल 16 साल जेल में सजा काट के आने का कोई अनुभव नहीं है और ना हमको ये अनुभव चाहिए। ये अनुभव ही तुम अपने पास रखो और ये जो तुमको अनुभव है ना बाहुबली बनने का, कहवाना पसंद कर। मुझे तो हंसी तब आती है जब जब उनके भी जो मीडिया वाले हैं ना वो भी बोलते हैं कि बाहुबली, मतलब
इधर वाला हो या उधर वाला हो, सब बाहुबली उनको बुलाता है, इसका मतलब उनको बाहुबली कहलाना पसंद है। तो भैया हमको बाहुबली का अनुभव नहीं है और न हमको ये अनुभव चाहिए। तुम अपना जेल का अनुभव रखो अपने पास, तुम अपने सजा का अनुभव रखो अपने पास, तुम अपने बाहुबली का अनुभव रखो अपने पास। और मेरा जो अनुभव है ना, मुखिया के तौर पे पूरे देश ने देखा है, जब रितु जायसवाल उपराष्ट्रपति से लेकर के पंचायत को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार पंडित दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान से पंचायत को सम्मान दिलवाया, उस वक्त अपने सिंहवाहिनी की एक एक जनता को सम्मान दिलवाया। तो ये विकास का कार्य करने का जो अनुभव मेरे पास है वो मेरे पास रहने दो, और ये अपने बाहुबली का अनुभव तुम अपने ही पास रखो, तुम्हें ही मुबारक हो। और कहते हैं रितु जायसवाल आएगी ना, कहते हैं रितु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। ए भैया, रितु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आएगा या ये आनंद मोहन आएगा तो जंगल राज आएगा, ये शिवहर की जनता पे छोड़ते हैं। ये शिवहर की जनता निर्णय करेगी कि किसके आने से जंगल राज आएगा, ये शिवहर की जनता तय करेगी। हेलीकॉप्टर आएंगे उतरेंगे, एक हमारे नेता उनके 100 हेलीकॉप्टर पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो जमीन की बात करते हैं। तेजस्वी जी ने अपने कार्य में जो 17 महीने का कार्यकाल था वो 17 साल कहां हवा में उड़ गया पत्ता भी नहीं चला, और आज अगर बात हो रही है तो उनके सिर्फ 17 महीने के रोजगार की बात हो रही है। अगर हमारी सरकार बनती है तो आज जो तमाम यहाँ पे जनता है या पूरे बिहार की अगर मैं बात करूं तो वो चीजें मिलेंगी जो उन्होंने कहा ना कि वो 17 महीने तो झांकी था, तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना बाकी था।